यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और अगली बड़ी खबर करनाल से आपको बता देते हैं, जहां पर गेस्ट टीचर जो है वो धरने पर पहुंच गई है और कांग्रेस सीएलपी लीडर किरण चौधरी भी वहां पर मौजूद है। गेस्ट टीचरों को समर्थन दिया गया है और सरकार जुमलों की सरकार है, तो करनाल गेस्ट टीचरों के धरने पर पहुंची है किरण चौधरी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और गेस्ट टीचरों को यहाँ पर समर्थन दिया गया है और मुख्यमंत्री विदेशों में जा रहे हैं ये कहा गया है, और ये सरकार जुमलों की सरकार है। यहाँ पर जो है कांग्रेस सरकार जो है कहीं ना कहीं मौका देखती है कि किस तरह से बीजेपी को घेरा जाए, और यहाँ पर किरण चौधरी ने एक पासा फेंका है, गेस्ट टीचरों का साथ दिया है और ये कहा है कि मुख्यमंत्री तो है वो विदेशों में जा रहे हैं और इधर यहाँ पर जो गेस्ट टीचर हैं वो परेशान हैं। आपको बता दें कि करनाल में गेस्ट टीचर जो हैं लगातार धरना दे रहे हैं और अब उन्हें किरण चौधरी का कांग्रेस से समर्थन मिल गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए केसीआरए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। केसीआरए, किरण चौधरी ने यहां पर समर्थन दे दिया तो कहीं ना कहीं एक पासा फेंका है बीजेपी के खिलाफ। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं अभी कुछ देर पहले सीएलपी लीडर किरण चौधरी यहां पर करनाल टीचरों को धरने में पहुंची थी और वहां पर उन्होंने जो इनेलो बसपा गठबंधन में और बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा, कहा कि सरकार जो है ना सिर्फ वादा खिलाफी करना जानती है। घोषणा पत्र में इन्होंने कहा था कि सभी गेस्ट टीचरों को पक्का किया जाएगा, परंतु आज गेस्ट टीचरों को इनकी सरकार में धरने पर बैठना पड़ रहा है और अनशन पर बैठकर जो है ना एक जो मैना गेस्ट टीचर है वो आज उसका सातवां दिन है, अनशन पर बैठी है। तो इन्होंने कहा कि जो इनेलो एसवाईएल पानी एसवाईएल नहर के पानी पर जो धरने प्रदर्शन कर रही है सिर्फ उनकी नौटंकी है और नौटंकी कभी कामयाब नहीं होती है और ना ही इनका गठबंधन कामयाब होगा। जी, केसीआरए, जिस तरह से ये जो गेस्ट टीचर है लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो ये किरण चौधरी है इन्होंने इसके रोष प्रदर्शन को और तेज कर दिया है। हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का पूरी तरफ से उनका कांग्रेस की तरफ से समर्थन दिया और उनकी सरकार आने के बाद उनको पक्का किया जाएगा। कहीं ना कहीं जो है ना राजनीति के उसमें यहाँ पर आए थे और राजनीति का ही ये स्टंट है कि जो यहाँ विपक्ष के नेता आ रहे हैं राजनीतिक अपने यहाँ पर गेस्ट टीचरों के बीच में चमका रहे हैं और कहीं ना कहीं वादे तो कर रहे हैं परंतु इन्हीं की सरकार में इन गेस्ट टीचरों को रखा गया था और जो आज जो है ना उनको पक्का करने का वादा कर रहे हैं तो गेस्ट टीचर भी कहीं ना कहीं समझते हैं। और वहीं जो है ना किरण चौधरी ने अपने यहाँ पर बयान से उनको एक कहीं ना कहीं उनको जो एक वादा किया है कि सरकार आने पर उनको पक्का किया जाएगा। जी, केसीआरए, इस बीच ये जितने भी गेस्ट टीचर हैं जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इसमें से एक गेस्ट टीचर नैना देवी की तबियत बिगड़ गई है, तो इस पर क्या प्रशासन का कोई भी अधिकारी वहां पर पहुंचा है? बिल्कुल, आज उनके गेस्ट टीचर का जो सातवां दिन है धरने का, उसका अनशन का भी सातवां दिन है और वो उसकी जो है ना आज कई बारी आज तीसरी बार आज जो है ना उनकी तबियत बिगड़ी और जैसे धरने के बाद किरण चौधरी निकली है तो उसकी जो है तबियत खराब हुई और उसको एकदम हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि गेस्ट टीचर जो है लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी आवाज मिलाई है किरण चौधरी ने, कांग्रेस ने समर्थन दिया है और कहीं ना कहीं मौका मिल गया है फिर से कांग्रेस को बीजेपी सरकार को घेरने का। और यहाँ पर कटाक्ष किया गया है कि जो सीएम है वो विदेशी यात्रा कर रहे हैं और यहाँ पर जो गेस्ट टीचर है उनका बुरा हाल है और बीजेपी सरकार जो है ये नौटंकी करती रहती है कि ये जनता की सरकार है।